इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन पहाड़गंज दिल्ली।
आज पर्वादिराज परिश्रम पर्व का पांचवा दिन। वैसे जैन धर्म में पांच अंक का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। परमेष्टि कितने होते हैं? पांच। और पाप कितने होते हैं? पांच। कहते हैं जो पांच पापों को छोड़ देता है वह कभी ना कभी पंच परमेष्टि के पद में स्थित हो सकता है, कभी ना कभी वह पंच परमेष्टि भगवान का भक्त बन सकता है। और आज पांचवा दिन उत्तम सत्य धर्म। विचारणी बात यहां पर यह है, आप किसी कुएं में पानी खींचकर पानी निकालने के लिए जा रहे हो और वहां पर उस कुएं में चार जानवर गिरकर मर गए हैं, तो क्या कोई उस कुएं का पानी पिएगा? नहीं पिएगा। पहले क्या करेंगे, एक एक जानवर को हटाएंगे, पानी को स्वच्छ करेंगे, कुएं को साफ करेंगे और फिर पानी पीने का प्रयास करेंगे। तो उसी तरह से विगत दिनों में जो हमारे आत्मा रूपी कुआं है, हमारे शरीर में जो आत्मा रूपी कुआं है, आत्मा रूपी जलाशय है, जहां से नित्य प्रति हम जल को ग्रहण करते थे, वहां पर चार गंदे पदार्थ गिर गए थे। पहला पदार्थ था क्रोध, दूसरा मान, तीसरा माया और चौथा लोभ। इन चार गंदे पदार्थों को हम अपने आत्मा रूपी जलाशय से, आत्मा रूपी समुद्र से, आत्मा रूपी जो हमारा कुआं है उसमें चार गंदे पदार्थ पड़ गए थे, उनको एक एक करके हमने पहले क्रोध को छोड़ा, फिर मान को छोड़ा, फिर माया को छोड़ा और फिर लोभ को छोड़ दिया और जल को पूरा स्वच्छ कर लिया। और स्वच्छ करने के बाद अब उस जल को हम पीने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम शब्द। सत्य क्या है? आज आपसे पूछूं कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, तो लोग तत्वाशूत्र का नाम बताते हैं। अन्य संप्रदाय में बताओ तो कोई बाइबल बताता है, कोई गीता बताता है, कोई कुरान बताता है। मैंने बचपन में जब पिक्चरें देखी थी तो जब अदालत का सीन दिखाया जाता था वहां पर एक किताब होती थी और जो जात का आदमी होता था उस जाति के सामने खड़ा होता था कि मैं कुरान पर, बाइबल पर, गीता पर, जिनवाणी पर कसम खा रहा हूं कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर धर्म में हर ग्रंथ की किताबें अलग अलग हैं, हर धर्म में भगवान की भक्ति करने का तरीका अलग अलग है, हर ग्रंथ में हर धर्म में भगवान की उपासना पूजा खान पीन विधि अलग अलग है। लेकिन यदि संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण विश्व में हर धर्म वाले एक नारे को जोर से बोलते हैं तो उस नारे का नाम है सत्यमेव जयते। इसमें किसी के कोई बदलाव नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में धर्म नहीं है जो इस बात को नकार दे कि सत्यमेव जयते नहीं होता है। अहिंसा को हर कोई पालन नहीं कर रहा, हर कोई व्यक्ति हिंसा नहीं कर रहा, हर कोई व्यक्ति उधर उधर के कारण करना नहीं छोड़ रहा, लेकिन सत्यमेव जयते की बात जब आती है तो सारा का सारा राष्ट्र, सारा का सारा विश्व, सारा का सारा देश एक हो जाता है, क्योंकि सत्य के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। सत्य क्या है? कुछ लोग कई तरह से सत्य को असत्य करते हैं, कुछ लोग कई तरह से झूठ को बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इंसान कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, कैसा भी कुछ कुछ षड्यंत्र कर ले, लेकिन इंसान को वास्तविकता का जीवन जीना है तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। पहले के जमाने में जब ट्रेन में लोग सफर करते थे, जब ट्रेन में लोग सफर किया करते थे तो उस समय होता था कि इतने साल तक के बच्चे की टिकट फ्री है। आज से 25-30 साल पहले का मुझे ध्यान पड़ता है, आपने कभी सुना होगा, ट्रेन में सफर कर देखा होगा, कितने साल तक के बच्चे की टिकट फ्री है। तो माता पिता अपने बड़े बच्चे को कहते थे कि टीटी पूछेगा तो क्या बोलना, टीटी पूछेगा तो उम्र को कम बता देना। ऐसे एक दंपत्ति अपने बच्चों को लेकर पहुंचे, एक की आधी टिकट कटाई, एक की कटाई नहीं और दोनों की पूरी थी और दोनों बच्चे आधी टिकट से ऊपर के थे, मतलब पूरी टिकट लेने वाले थे। टीटी आया, बोले टिकट टिकट, उन्होंने दिखाई, बोले इसकी टिकट, बोले ये 5-6 साल से कम है, बोले इसकी टिकट, बोले ये तो 4 साल का ही है, इसकी टिकट कैसे लगेगी। टीटी बोला भाई
लंबा चौड़ा तो दिख रहा है। बोले खाते पीते का घर का है ना, खाते पीते घर का इसे लंबा चौड़ा लग रहा है, बात खत्म हो गई। वह अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कहीं पर आया था और जैसे ही एडमिशन कराने के लिए स्कूल में पहुंचा, वहां पर संयोग की बात है कि जो उनकी सीट पर बाजू में बैठा था आदमी, वह उसी स्कूल का प्रिंसिपल था, वह उसी स्कूल का प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल के सामने पहुंचा तो बोले इनकी उम्र, उसे पता ये उम्र है। बोले नहीं ये उम्र लगता ही नहीं, ये तो बहुत छोटा लगता है। अरे बोले नहीं सर मैं झूठ क्या बोलूंगा, ये बर्थ सर्टिफिकेट देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो प्रिंसिपल बोले भैया ट्रेन में तो आप बता रहे थे, ट्रेन में तो आप बता रहे थे कि इसकी उम्र इतनी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन जीवन में ध्यान रखना कि आप धन को झूठ बोलने से कमा सकते हो, पैसे को रुपए को झूठ बोलकर आप कमा सकते हो, लेकिन जब आपको बैंक से वो पैसे निकालना पड़ेंगे तो आपको चेक पर साइन किसका करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, जिसके नाम से बैंक में अकाउंट है। कि पैसे कमाने के तरीके तो कई हैं, पैसे को बैंक में डालने के तरीके तो कई हैं, लेकिन बैंक से पैसा निकालना है तो आपको सत्य रूपी हस्ताक्षर करना पड़ेगा। कि पैसा इकट्ठा तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन सत्य के हिसाब से वह खर्च हो पाएगा, सत्य के हिसाब से ही निकलेगा। आप दुनिया में कहीं पर भी झूठ बोल दो, लेकिन जब आपको स्टेशन से उतर के घर पर जाना पड़ेगा तो उस समय आपको अपना घर का ओरिजिनल पता बताना पड़ेगा, जब आपको जाकर वहां पर व्यक्ति ले जाएगा। लोग कई तरह से झूठ बोलते हैं, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, डर के कारण, लालच के कारण, ना जाने तरह तरह से आदमी झूठ बोल रहा है। और जीवन में वैसे तो 10 प्रकार का सत्य होता है, एक अक्षात्मक सत्य होता है, एक जनपद सत्य होता है, एक गणितात्मक सत्य होता है, इस तरह से 10 प्रकार के सत्य बताए गए हैं, एक भूगोलिक सत्य होता है। अक्षरात्मक सत्य कैसा है कि मां और मां मिलता है तो क्या बनता है, मामा बनता है, ये अक्षरात्मक सत्य है। गणितात्मक सत्य क्या है कि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, एक गणितात्मक सत्य होता है। इसके तरह से भौगोलिक जनपद आदि तरह तरह के सत्य हुआ करते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, कहते हैं सांच बराबर तपन ही, झूठ बराबर पाप। कि सत्य के बराबर इस दुनिया में कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। जीवन में कई बार क्रोध के कारण लोग झूठ बोल जाया करते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आया, एक काल्पनिक बातें होती हैं आपको समझाने के लिए। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोले मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोले मैं आपको कौन कौन सी बातें बताऊं। अब मुझे आया, मैंने कहा भाई अब तो बात बता। बोले ये गधे का बच्चा, एक लड़का उसके साथ में था, बोले ये गधे का बच्चा नालायक, इसने मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बोले ये गधे का बच्चा नालायक, इसने मेरी नाक कटा दी। मैंने तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे। बोले समझ गया महाराज जी, ये डेली मंदिर में आता है, डेली आहार देने आता है, डेली भैया वृत्ति करने आता है, इसलिए आप ये बात बोलोगे। मैंने कहा बिल्कुल तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। दो चार आदमी और इकट्ठे हो गए। बोले महाराज जी क्या मतलब, कोई अपने बच्चे को डांट भी नहीं सकता। अरे मैंने कहा ये तो उल्टा काम हो गया। दो चार लोग आए, और होता क्या ना जब हल्ला होता है तो दो चार आदमी इसी फ्राक में रहते हैं कि अंदर कैसे पहुंचे। उनको चावल चढ़ाना तो आता नहीं है, अभिषेक करना तो आता नहीं है, गुरुओं के दर्शन करना तो आता नहीं है, तो हल्ला करते समय वो फिराक में रहते कैसे पहुंचूं। तो वहां पर जैसे ही पहुंचे, बोले क्या बात है। मैंने कहा तो झूठ बोल रहा है। बोले क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा फिर से बोलो। बोले महाराज जी ये गधे का बच्चा है, नालायक है, इसने मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। अरे बोले महाराज जी गलती हो गई, गलती हो गई, ये तो मेरा बच्चा है। बोलता गुस्से में कहते गधे का बच्चा, तो गधा कौन हुआ। नालायक तूने मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा ये तो कह रहा था मेरी नाक कट गई और इसकी नाक तो पूरी है। क्रोध के वशीभूत होकर इंसान इस तरह की बातें कर जाता है जो सत्य नहीं होते हुए असत्य हो जाती हैं, असत्य होती हैं और सत्य को बचाने का प्रयास कर रहा है। लोभ के कारण इंसान, लोभ के कारण, लालच के कारण हर पल झूठ बोल रहा है। लोभ रुपए का हो ऐसा नहीं है, लोभ खाने का हो ऐसा नहीं है, लोभ मान प्रतिष्ठा का भी होता है, लोभ पढ़ाई लिखाई का भी होता है, लोभ अन्य सारी क्रियाओं का भी होता है। और उस लोभ के कारण क्या होता है, इंसान तरह तरह के झूठ को बोला करता है और अपने जीवन में समस्याओं को उत्पन्न कर लेता है। डर के कारण कई बार बच्चे कोई स्कूल में गलत कार्य कर रहे हैं तो डरते हैं
कि माता पिता कहीं डांट ना दें, कहीं मार ना दें, इस कारण भी झूठ बोला जाता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी में झूठ बोलने के तो आपको हजार कारण मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपने एक बार सत्य बोल दिया उसके बाद में आपको कोई और कारण खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य को जीवन में अंगीकार तो कीजिए, सत्य को साक्षात्कार कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि सत्य जो है वह अकेला हो सकता है लेकिन कभी अपराजित नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। सत्य हमेशा अपराजित ही रहेगा। सत्य अकेला बेशक हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य हमेशा हमेशा अपराजित रहेगा, चाहे सत्य के साथ में एक लोग चले। ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में दिखाना उसको पड़ता है जहां पर मिलावट होती है। आपने आज तक टीवी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपने देखा होगा मारुति 800 के आ रहे हैं, छोटे छोटे फोनों की एडवर्टाइज आ रही है, लेकिन आपने कभी देखा कि बड़े बड़े फोनों की, बड़े बड़े गाड़ियों की एडवर्टाइज आती है? बिल्कुल नहीं आती। उसको तो लोग लाइन लगाकर, नंबर नंबर लगा लगाकर आदमी वेटिंग में होता है लेना, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी सत्यता क्या है, मेरे अंदर क्या है। आप जब दुकान पर सामान खरीदने जाते हो, वहां पर प्रोडक्ट मिलते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? नीचे वैज्ञानिक चेतावनी क्या लिखा रहता है? नकलचियों से सावधान, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है। ये क्यों करना पड़ गया कि आज भारत देश में नकल करने में, झूठ बोलने में आदमी इतना उस्ताद हो चुका है, इतना उस्ताद हो चुका है, इतना उस्ताद हो चुका है। एक बार क्या हुआ, किसी संत ने किसी भक्त को फोन लगवाया, बोले भाई साहब कहां पर हो, मोबाइल का जमाना है, पूछे फोन लगवाया भाई साहब कहां पर हो, उसने कहा जी मैं तो आउट ऑफ टाउन हूं। महाराज जी पास में थे, महाराज जी बोले फिर से पूछो कहां पर हो, बोले भाई साहब मैं तो आउट ऑफ टाउन हूं। तीन बार बोला, चार बार बोला, गुस्से में आ गया, बोले बाल बाल बोल रहा हूं, आउट ऑफ टाउन हूं, क्या फोटो खींच के भेजो? तो महाराज जी ने वहां धीरे से बुलवाया कि भैया आप मोबाइल फोन में नहीं लैंडलाइन फोन पे बात कर रहे हो। क्या बुलवाया? कि आप मोबाइल फोन पे नहीं लैंडलाइन फोन पे बात करो, लैंडलाइन फोन तो घर पे ही होता है मेरे भाई। झूठ बोलने की आदमी की आदत क्यों पड़ गई है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन पहाड़गंज दिल्ली,